subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोगों को क्रम्पिंग बालों में किस तरीके से करनी चाहिए। इससे पहले भी मैंने कई बार अपने चैनल पर वीडियो डाली है क्रम्पिंग की, बट कुछ लोग काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि मैम क्रम्पिंग किस तरीके से करें, क्योंकि देखिए आजकल जो हेयर स्टाइल हम लोग करते हैं वो काफ़ी हैवी हेयर स्टाइल होते हैं, उसमें आप अगर क्रम्पिंग नहीं करेंगे तो आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो क्रम्पिंग कई तरीके से हो सकती है, अगर आप चाहें तो पूरे बालों में भी कर सकते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को ज़्यादातर जो हेयर स्टाइल में क्रम्पिंग करने की ज़रूरत पड़ती है वो ओनली फॉर फ्रंट में करनी पड़ती है। जैसे कि एयर टू एयर पार्टिंग कर लीजिए आप अपने बालों की, और उसके बाद में पीछे के बालों में डाल दीजिए रबड़। चाहे आपने ओपन में ही हेयर स्टाइल आपको करना है, बट पीछे के बालों में फिर भी रबड़ डाल दीजिए, और जितने बालों में आपको क्रम्पिंग करनी है उतने बाल सेपरेट कर लीजिए। जैसे कि इस हेयर स्टाइल में हम लोगों ने क्रम्पिंग जो है वो एयर टू एयर पार्टिंग करने के बाद में की है, और आगे के सभी बालों में हम लोग क्रम्पिंग कर लेंगे। और क्रम्पिंग मशीन जो है वो कई तरीके की मार्केट में अवेलेबल होती हैं, काफ़ी चौड़ी वाली भी होती हैं, काफ़ी पतली वाली भी होती हैं, और आजकल क्या है ना, क्रम्पिंग स्ट्रेटनिंग और क्रम्पिंग एक साथ में भी आपको मिल जाएगी। बट मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना पार्लर रन करते हैं या पर्सनली अपने लिए भी क्रम्पिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो आप सिंगल वाली खरीदिएगा और पतली वाली खरीदिएगा। देखिए जिस क्रम्पिंग मशीन से हम लोग क्रम्पिंग कर रहे हैं उसको आप देख सकते हैं कितनी पतली वाली है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, क्योंकि अगर आप चौड़ी क्रम्पिंग मशीन खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छी क्रम्पिंग आपकी नहीं होगी, और आपका हाथ भी बहुत जलेगा, और आपके बालों की क्रम्पिंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। क्रम्पिंग करने का सबसे अच्छा जो मेथड है वो देखिए ये है, थोड़े थोड़े बाल लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको बाल लेने की ज़रूरत नहीं है, और मशीन के बीच में रखिए और आप क्रम्पिंग करते चले जाइए। अगर आप सिंगल लेयर में क्रम्पिंग करेंगे तो आपकी क्रम्पिंग थोड़ी हल्की वाली आएगी, और अगर आप थोड़ी एक ही लट को दो बार मशीन के अंदर से निकालेंगे और दो बार आप क्रम्पिंग करेंगे तो आपकी जो क्रम्पिंग है वो बहुत अच्छे से आएगी। जैसे देखिए मैं कई बार दो बार भी करा रही हूँ और कई बार एक बार भी करा रही हूँ। तो ज़्यादातर अगर ब्राइडल हेयर स्टाइल या पार्टी हेयर स्टाइल करने तो दो बार हमें मशीन में से बाल निकालने चाहिए, और आप कोई भी मशीन यूज़ कर सकते हैं। नोवा की हेयर क्रम्पिंग मशीन बहुत अच्छी होती है, चोबा की हेयर क्रम्पिंग मशीन भी बहुत अच्छी होती है, VNG की भी बहुत अच्छी क्रम्पिंग मशीन होती है, और जो हम यूज़ कर रहे हैं R&R की वो भी बहुत अच्छी होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, क्रम्पिंग मशीन अगर आप बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है। ये जो मशीन है ये ईजिली मार्केट में मिल जाती है, इनके किसी के भी लिंक मेरे पास नहीं है, क्योंकि पार्लर से रिलेटेड सामान मैं कभी भी खासतौर से मशीन मैं कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ। ये चीज़ें जाकर ही हम लोगों को लेकर आनी चाहिए, कभी मार्केट से ही परचेस करनी चाहिए, ये चीज़ें कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगानी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑनलाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है, और मिलेगा भी तो आप क्योंकि उसको हाथ से देख नहीं पा रहे हैं कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो चीज़ आपसे मिसिंग हो जाती है। दुकान पर जाकर आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, करके देख सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके का फ़ायदा होता है अगर आप मार्केट से परचेस करते हैं तो। और आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर लॉट्स ऑफ वीडियो अवेलेबल हैं जिसमें मैंने क्रम्पिंग के बाद हेयर स्टाइल किए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मेकअप वीडियो अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल वीडियो अवेलेबल हैं। चैनल पर आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो एक पार्लर रन करने के लिए आप लोगों को चाहिए। बहुत ही प्यारे प्यारे मैंने हेयर स्टाइल वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं, किस तरीके से हम लोग कर्ल करें, किस तरीके से हम लोग रोल करें, किस तरीके से हम बालों में स्ट्रेटनिंग करें, हेयर से रिलेटेड बहुत कुछ आपको चैनल पर मिल जाएगा। रिवॉन्डिंग, स्मूदनिंग, कैरेटिन, हेयर स्पा, जितने भी हेयर मास्क आते हैं उनमें भी बहुत सारे हेयर मास्क का रिव्यू मैंने अपने चैनल पर किया हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी लॉट्स ऑफ वीडियो आप लोगों को दी हुई हैं। तो प्लीज़ चैनल को ना बहुत अच्छे से सर्च किया कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है ये चैनल, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पर मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।